अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अली ब्लॉक के अंदर जो 125 गज़ के विलाज़ हैं उनका आज आपको एक विज़िट कराऊंगा मैं, और मेरे पास एक विला है उसका भी आपको विज़िट कराता हूं, और डिमांड भी इसका बताते हैं और एवरेज क्या डिमांड अली विलाज़ के अंदर चल रही है, अली ब्लॉक के अंदर 125 गज़ के विलाज़ की, तो वो भी आपको सारी डिस्कस करते हैं। तो आपको इनसाइड टूर कराता हूँ, इसका अंदर से विज़िट कराता हूँ कि कैसी प्यारी इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये गराज इसका देख लें, बहुत प्यारा सा अच्छा सा गराज इसमें बना हुआ है। एक गाड़ी तो आपकी प्रॉपर जो है सीडान वो इसके अंदर आ जाएगी, और साथ में छोटी सी आगे गैलरी बनी हुई है, और साथ में इसका आप जब अंदर इंटर होते हैं तो साथ ही आपको एक पाउडर वॉशरूम इसका मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही इसके ये टीवी लाउंज बहुत प्यारा सा एक बना हुआ है, और टीवी लाउंज के साथ आप देखते हैं तो साथ में ही पार्टीशन करके जो है वो ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसमें आप अपनी पार्टीशन करके सेपरेट जो है वो अपनी ड्राइंग रूम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और बहुत प्यारा इसका जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये किचन इसका आ जाएगा, किचन की जो देखें सारी अलमारियाँ वगैरह या सारे कैबिनेट वगैरह सारा कुछ बना हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पे फ्रिज आपकी आ जाएगी, और सारा यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये कमरा आ जाएगा। पहले बताता चलूँ कि इस विला के चार रूम हैं, एक नीचे है, तीन ऊपर हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ज़रा भी यूज़ नहीं है। बहुत बड़ा इसका वाशरूम बना हुआ है। मोस्टली जो ज़्यादातर वाशरूम है प्राइवेट विला के अंदर 125 गज में, वो छोटे वाशरूम होते हैं, लेकिन इस विला के अंदर आप वाशरूम देखेंगे तो थोड़े अच्छे साइज़ के बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे नहीं हैं वाशरूम। तो आपको ऊपर से विज़िट कराता हूँ। ये इसका दूसरा रूम आ जाएगा, ठीक है। कैबिनेट इसी, यानी कि जितने भी इसके अंदर रूम है सब के अंदर जो है वो कैबिनेट लगे हुए हैं। तो सिर्फ आपने अपना सामान लेके आना है और शिफ्ट होना है। वेंटी अच्छी लगी हुई है, कंबोर्ड अच्छा लगा हुआ है, और साइज़ आप देख रहे हैं वॉशरूम का अच्छा खासा साइज़ है इसके अंदर। और इसका ये तीसरा रूम आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों के लिए जो है ना वो अच्छी एकोमोडेशन बन जाती है ये रूम की। और इसका ये फोर्थ रूम आ जाएगा। इस रूम में एलसीडी के लिए भी स्टैंड बाई लगा हुआ है, और सारा इसका भी देख लें। और वॉशरूम जो है वो भी और साथ में ही छोटा जो किचन है यहाँ पे सेपरेट किचन बन दिया हुआ है ऊपर यूज़ के लिए, वो भी अच्छा खासा अच्छा प्यारा बना हुआ है, सारा बना हुआ है। तो बाहर से इसकी आपको व्यू देता हूँ, हवा देख रहे हैं और वेंटिलेशन देख रहे हैं कितनी प्यारी बनी हुई है। यहाँ पे बैठ के शाम को आप अपनी गपशप लगाएं, चाय शाय पिए और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे अगर मैं विला के रेट की बात करता चलूँ तो 1 करोड़ 30 से लेके अली ब्लॉक के जो प्राइवेट विलाज़ हैं 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 35 से 40 का रेट मैक्सिमम चल रहा है। और लोकेशन वाइज जो विलाज हैं कॉर्नर हो गए, फेसिंग पार्क हो गए, उनका थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो कॉर्नर वगैरह के जो विलाज़ हैं वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 के राउंड अबाउट जो डिमांडें चलती हैं, लेकिन जो एवरेज कॉर्नर के हैं वो 1 करोड़ 60 से लेके 1 करोड़ 70 लाख के राउंड अबाउट चल रहे हैं प्राइवेट विला एक्सेस लैंड के साथ कॉर्नर वाले। और जनरल जो विलाज हैं वो 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 40 के राउंड अबाउट जो विलाज हैं उनके रेट चल रहे हैं। बहरिया टाउन से रिलेटेड या विला की बाइंग सेलिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ नए विला के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।